स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का प्रॉब्लम से 2 में से क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्या मिस्टर दानिश ओन्स एन एग्रीकल्चर फॉर्म एट विलेज तालवेद। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रिथ। देखो, लेंथ एंड ब्रिथ, क्या यहाँ पे लेंथ एंड ब्रिथ का वर्ड यूज़ किया गया, यानी बोल रहे वो जो फील्ड है वो एग्री मतलब फार्म, वो किस शेप का होगा? रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो क्या है, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग ए स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। इनसाइड अ स्क्वायर शेप, यानी क्या, जिसके ऑल साइड जो होते एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द साइड ऑफ पॉन्ड 1/3 ऑफ द ब्रीथ ऑफ फार्म। द एरिया ऑफ द फार्म 20 टाइम द एरिया ऑफ द पॉन्ड। फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फार्म एंड द एंड ऑफ द पॉन्ड। देखो क्या दिखाया आपको क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, इस मतलब इस शेप का क्या है, ये है खेत। अब क्या है इसका जो है, इसकी जो है वो क्या है, ब्रीथ एक्स है, और लेंथ जो है वो क्या है, देखो ट्वाइस, यानी क्या है, द 10 मीटर मोर देन ट्वाइस है, यानी ये ब्रीथ के जो है वो क्या है, 10 मीटर मोर देन ट्वाइस, यानी ट्वाइस यानी डबल है, और उसमें प्लस 10 ऐड है, यानी 10 मीटर ऐड किया है और प्लस क्या है, ब्रीथ के डबल है, यानी 2x, ये हो गया। उसके अंदर क्या किया गया है, पॉन्ड किया गया है इनसाइड में, वो कितना है, ये ऐसा स्क्वायर शेप का, यानी जिसके ऑल साइड जो होते क्या होते, इक्वल होते, तो वो क्या है, 1/3x है ये। तो हमको क्या बोले कि इन लोगों के ब्रीथ लेंथ और पॉन्ड का मान करने का है। तो क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम, कंसीडर करेंगे लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म बी एक्स, यानी रेक्ट फॉर्म जो है उसका है ना, ब्रीथ क्या है, एक्स है। देन उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ब्रीथ हो गए, उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ हाइट, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंग ब्रीथ हो गई, अब क्या करेंगे, लेंथ सॉरी हाँ देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, उस फॉर्म जो है वो क्या है, बी, उसकी लेंथ क्या हमने कंसिडर करे, 10+2x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म, एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म की। तो क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ मल्टीप्लाई क्या रहता है, ब्रीथ, ये हो गया। अब क्या करेंगे, लेंथ क्या है उसकी, लेंथ इंटू ब्रीथ हो गई, लेंथ क्या है भी 10+2x और मल्टीप्लाई क्या है, ब्रीथ क्या है, x, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। अब क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करें तो पहले 2x² हो जाएगा प्लस 10x, ये हो गया। ये क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइड ऑफ पाउंड, ये क्या है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पाउंड इज इक्वल्स टू पॉन्ड, यानी क्या, जो बीच में जो है ना स्क्वायर शेप का जो यहाँ पे पॉन्ड है उसको बोला है पॉन्ड, यानी इज इक्वल्स टू क्या है, 1/3 है। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइड ऑफ पॉन्ड 1/3x आया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड जो पॉन्ड है उसका क्या करेंगे हम, एरिया फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर शेप्ड का। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पॉन्ड इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी क्या है, इज इक्वल्स टू क्या है, 1/3x में है, तो 1/3x का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 रहेगा, और 3 का यानी 1 × x करोगे तो x, और x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 9, यानी x² / 9, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो कंडीशन दिया गया है उसको फॉलो करेंगे, यानी फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम
फ्रॉम गिवन कंडीशन। कंडीशन से हमको क्या करना है, अभी हमने देखे जो 2x निकला प्लस क्या निकला 2x स्क्वायर निकला प्लस 10x निकला इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारे क्या बोला 20 टाइम, यानी वन फॉर्म जो है वो 20 टाइम द एरिया ऑफ द पॉन्ड, यानी 20 से क्या करना है पॉन्ड, यानी 1/3x को 20 से क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया। यानी 1/3 को हमने क्या करे एरिया फाइंड करे, यानी क्या हो गया टोटल भी ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 को क्या करे 20 से मल्टीप्लाई करे, क्योंकि वो 20 टाइम पॉन्ड है इसलिए 20 से मल्टीप्लाई करे। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 20 है, यानी सबको जो है क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या हो जाएगा देखो बोथ साइड डिवाइडेड बाय टू, तो क्या हो जाएगा 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया। यानी क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 गेट कैंसल 2 1 2 एंड 2 5 10, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 5 2 1 2 एंड 2 10 20, ये हो गया। अब क्या करेंगे ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, यानी 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9, ये हो गया। यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 10x स्क्वायर, यानी बीच में मल्टीप्लाई है 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब ये देखो 9 क्या है डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, यानी क्या होगा ये 9 से होल इसको पूरे इसको क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये हो गया। अभी 9x स्क्वायर को 9 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9 5 45x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब क्या करेंगे 10x को यहीं रहने देंगे, यानी 10x स्क्वायर यहीं रहेगा, ये 9x प्लस में, यानी राइट हैंड साइड जाके माइनस 9x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, यानी राइट हैंड साइड जाके माइनस 45x, ये क्या हो जाएगा। अब देखो 10x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गेट कैंसिल होगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर बचेगा माइनस 45x, ये हो गया। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यानी 45x में से अब हम क्या कर सकते हैं x कॉमन निकाल सकते हैं, यानी x अगर कॉमन निकाले तो x माइनस 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, यानी राइट हैंड साइड जाके प्लस 45 हो गया, यानी क्या हो जाएगा x की 2 वैल्यूज निकल गई। तो अब हम देखो बट ब्रिथ जो है वो क्या है x कंसिडर करें ना हमने ब्रिथ को, इसलिए ब्रिथ कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए क्या होगा 45 जो है क्या होगा ब्रिथ होगा। तो सेंटेंस लिखेंगे बट ब्रिथ कैन नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 45, ये हो गया। तो ये क्या है हमारी ब्रीथ आ गई, तो देयरफॉर लिखेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फॉर्म इज इक्वल्स टू आएगा 45, और 45 जो है क्या है मीटर। अब क्या करेंगे हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, यानी ब्रिथ निकाल दिया तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म इज इक्वल्स टू क्या था 10 और क्या था प्लस 2x इतना था, तो 10 यानी 10 हो जाएगा प्लस 2 से x क्या है हमारा 45 हुई, यानी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी टोटल जो है वो क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो गया 100, यानी हमारा लेंथ जो है वो क्या निकला रेक्टेंगुलर फॉर्म का 100 मीटर निकला। अब क्या करेंगे साइड ऑफ पॉन्ड निकालेंगे
इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमने 1/3 एक्स क्या था वो पॉइंट था साइन पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 1/3 का 1/3 रहेगा और x हमारा क्या निकला है 45, यानी 3 × 3 × 3 एंड 3 × 5 = 15, यानी पॉइंट साइड ऑफ पॉइंट है जो क्या निकला है 15 मीटर। ये हो गया, देखो हमें जो बोला था लेंथ ब्रीथ एंड पॉन्ड की साइज, मतलब पॉन्ड निकालने बोला था, तो हमने ब्रीथ लेंथ एंड पॉन्ड निकाल दिया है, तो यहाँ पे साइड ऑफ पॉन्ड, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ टैक्स फेल कम्प्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, इफ ओनली वन ऑफ द टैप्स ओपन एट द गिवन टाइम द स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स more than the larger one to fill the tanks, how much time does each tap take to fill the tank completely। देखो एक टैंक है, यानी क्या है इस तरह का एक टैंक है और उसमें क्या है टू, मतलब टू टैप है, एक स्मॉलर टैप है और एक लार्जर टैप है, यानी क्या होगा इधर साइड जो है वो क्या है एक लार्जर है, यानी इधर साइड का जो टैप है वो स्मॉलर है हाँ, और इधर साइड का जो है वो लार्जर टैप है, यानी थोड़ा सा उसका क्या है बड़ा है ये, हाँ ये स्मॉलर टैप और ये क्या है लार्जर टैप, लार्जर टैप ये हो गया। अब क्या बोले कि दोनों को है ना टोटल भरने के लिए, मतलब एक टैप को अगर समझो ये टैप है इससे भरने के लिए कितना टाइम लगता है वो मालूम नहीं, पर इससे भरने के लिए क्या करना पड़ता है 3 आवर्स जो है क्या लगते हैं ज़्यादा लगते हैं स्मॉलर टैप को भरने से बिगर लार्जर टैप से। तो अगर समझो हमने क्या किया इसको, अगर एक्स लार्जर टैप को अगर एक्स कंसिडर किए तो स्मॉलर टैप को इससे 3 आवर्स जो है क्या लग रहे मोर लग रही ज़्यादा लग रहे भरने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल किसको एक लार्जर टैप को और स्मॉलर टैप को, अब अगर सिर्फ लार्जर टैप चालू करें तो कितना आवर्स लगेगा और सिर्फ स्मॉलर टैप चालू करें तो कितना आवर्स लगेगा इस टैंक को फिल होने के लिए। तो चलिए क्या करते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे लार्जर टैप, लेट लार्जर टैप टेक्स एक्स आवर्स, क्योंकि उसको मालूम नहीं है इसलिए एक्स आवर कंसिडर करें। उसके बाद क्या है दूसरा वाला जो है उसको क्या स्मॉलर, उसको क्या एक्स आवर्स टू फिल, द टैंक एंड सेकेंड वाला जो है क्या स्मॉलर एंड स्मॉलर टैप टेक्स एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, एक्स प्लस 3 आवर्स टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक ये हो गया। अब क्या करेंगे एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, यानी क्या करेंगे लार्जर टैंक और स्मॉलर टैंक को क्या करेंगे दो साइड देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे लार्जर टैप एंड यहाँ पे स्मॉलर टैप, यानी यहाँ पे लार्जर टैप और यहाँ पे क्या होगा स्मॉलर टैप। तो इसको क्या करते हैं एक्स आवर्स लगते फिल होने को और इसको क्या लगते हैं एक्स प्लस 3 आवर्स लगते फिल होने को, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोनों को 1 आवर्स एंड 2 आवर्स में टोटल कितना टाइम लगता वो देखेंगे। तो 1 आवर्स इन 1 आवर्स यानी इन 1 आवर्स टैंक फिल्स, यानी फिल्स यानी एक्स आवर्स में 1, यानी एक्स आवर्स में 1 आवर्स में टैंक फिल करने के लिए टोटल कितना लगेगा 1/, यानी 1/x आवर्स लगेंगे और यहाँ पे जो क्या लगेंगे इन वन आवर्स टैंक फिल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/x+3, इस आवर्स में से 1 आवर्स में क्या लगेगा x+3 ये हो गया। अब ये 1 आवर्स का हो गया, उसके बाद क्या करेंगे इन टू आवर्स टैंक फिल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, यानी ओनली 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2/x, 2 आवर्स में लग रहा है इसलिए 2। उसके बाद क्या आएगा टू आवर्स टैंक
फेल्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 2 / x + 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का हो गया, अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंडीशन बाय कंडीशन से सॉल्व करेंगे, बाय गिवन कंडीशन। अब देखो यहाँ पे टोटल 1/x आवर्स है, उसमें से हमारे हमको एक्स आवर लार्जर टाइप जो इसको क्या एक्स आवर्स लग रहे हैं, और स्मॉलर टाइप को क्या लग रहा है, 1/x + 3, बट 1/x जो है क्या है, 1 आवर्स को लग रहा है, और 2/x जो है क्या, 2 आवर्स को लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 / x, दोनों का 2 आवर्स का लेंगे, यानी 2 / x आवर्स + 2 / x + 3 आवर्स, टोटल दोनों मिला के क्या एक टैंक भरने का, इसलिए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन है, यानी अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/x, और यहाँ प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1/x + 3, ये हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, ये हो गया। अब ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में, यानी राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x + 1/x + 3 इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, 1/1/2, क्योंकि 2 इधर गया। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, x + x + 3, ये होगा, और नीचे का यानी नीचे में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो गया। अब एक्स प्लस प्लस में यानी 2x + 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी x² + 3x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x² + 3x 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x + 3 को तो क्या हो जाएगा, x² + 3x ऐसे रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 4x + 3 × 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x² है, यानी यहाँ पे x² है प्लस 3x, और ये 4x प्लस में, यानी लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, ये प्लस में यानी -6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, x² + 3x और ये माइनस, यानी सॉरी यहाँ पे -x और ये -6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, यानी ये क्या है, माइनस, बड़े की साइन यहाँ पे जो है माइनस, यानी 3x में से 3x गए तो वह x बचेगा ओनली, और ये माइनस। अब क्या करेंगे, -6 के 2 ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन -6 तो बन, उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 आना चाहिए, यानी क्या करेंगे, 3 × 2 क्या होगा, 6, और यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए, इसलिए बड़े को माइनस और छोटे को प्लस देंगे, यानी -1 हो जाएगा, यानी x² - x की जगह पे क्या होगा, -3x + 2x, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -6 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से एक कॉमन, यानी x - 3 + 2 इसमें से कॉमन निकाले तो x - 3 × 6, ये हो गया, इजिक्वल्स टू 0, यानी क्या हो जाएगा, इन दोनों सेम कॉमन है, यानी x - 3 और दूसरा जो आएगा x + 2 इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, x - 3 इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, और सेकंड वाला जो क्या हो जाएगा, x + 2 इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस यानी राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, और सेकंड वाला जो क्या हो जाएगा, x = -2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x = 3 और x = -2 है, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, आवर्स निकालना है, तो क्या होगा, बट टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये होगा। इसका मतलब क्या होगा, x≠-2 होगा, देयरफॉर x = जो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, लार्जर टैप को क्या कहा था, एक्स कंसिडर किया था, इसलिए लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स, यानी लार्जर टैप जो है वो 3 आवर्स लेता है एक टैंक को फुल करने को, और स्मॉलर टैप जो है क्या करता है, स्मॉलर टैप टेक्स कितना टाइम लेता है, टेक्स x + 3, यानी x की वैल्यू क्या है, ये 3 + 3, यानी क्या हो जाएगा, 6 आवर्स, यानी टोटल जो है वो क्या, स्मॉलर टैप जो एक टाकी को भरने के, एक टैंक को फिल करने के लिए 6 आवर्स लेता। तो यहाँ पे देखो, एक्स हमने क्या करे थे, लार्जर को, और x + 3 जो है वो क्या, स्मॉलर को करे थे, यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट 2 और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।